सवाल का ध्यान से सुनिएगा, उसका जवाब दीजिएगा। भारत का पहला क्वेश्चन है, इसमें जो बच्चे आंसर देंगे वो केबीसी के एपिसोड 2 में भाग ले सकेंगे, है ना, शनिवार को। तो आप लोग रेडी हैं? चलिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? दिल्ली। बहुत ही सही जवाब, निकिता के लिए जोरदार ताली। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? रुस्तम। राष्ट्रपति। बहुत ही सही जवाब। तीसरा प्रश्न, अभी वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? रागिनी, भारत में कितने उच्च न्यायालय? 25। बहुत ही सही जवाब, जोरदार ताली से याद कीजिए। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, लेकिन सभी राज्यों में उच्च न्यायालय नहीं है, कहीं कहीं के उच्च न्यायालय हैं, वो 2-3 राज्यों को भी कवर करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, बिहार का उच्च न्यायालय किस नाम से जाना जाता है? बिहार का उच्च न्यायालय किस नाम से जाना जाता है? चौथा क्वेश्चन है, बिहार का उच्च न्यायालय यही बता दीजिए कहाँ स्थित है? पटना। पटना, उसका नाम पटना उच्च न्यायालय है ना, बोलते हैं पटना उच्च न्यायालय या पटना हाई कोर्ट। रुस्तम के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, पांचवा क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 65। गलत जवाब। चलो रागिनी, 35। गलत जवाब। ये लड़का, 60। गलत जवाब। सभी का गलत जवाब है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कोई भी उम्र सीमा निर्धारित नहीं है, वह 10 बरस के अनुभव के आधार पे उनको चुना जाता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, है ना, तो उम्र सीमा कोई नहीं है। चलिए सातवां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? उठाइए। राज्यपाल। गलत जवाब। चलो सूरज, चलो चलो, बिल्कुल सही जवाब, सूरज के लिए जोरदार ताली बजाइए। अगला क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन है? देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन है? सुप्रीम कोर्ट। बहुत सही जवाब, सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। चलिए अगला क्वेश्चन, नौवां, अभी वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? DY चंद्रचूड़, इनका सही आंसर है DY चंद्रचूड़, 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, दसवां, सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश श्री हीरालाल जे कामिया। बहुत ही सही जवाब, जोरदार तालियां स्वागत कीजिए। आज के कंटेस्टेंट हैं, 4 सिलेक्ट हुए हैं आज, 5 निकिता, रुस्तम, रागनी, सूरज, प्रिया रानी, जोरदार ताली स्वागत कीजिए सभी का। अगले शनिवार को ये सभी KBC के एपिसोड 2 में भाग ले सकेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। कल का टॉपिक है मुहावरा, याद करके आइएगा आप लोग, हिंदी के मुहावरे, ठीक है। चुनाव कर लीजिए, उसके बाद हम लोग एक वर्कआउट करेंगे।